हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दलिया की ये स्वीट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जितना यम्मी है उतना ही हेल्दी है और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ब्रेकफास्ट, आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर आप इसको एज अ डेजर्ट भी बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये। तो आप फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे दलिया। और आप ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम लो रखें और इसको लो फ्लेम में ही हमें भूनना है अच्छे तरीके से, ऐसे बीच में चलाते हुए। इसको इसी तरीके से लो फ्लेम में हमें भूनना है। जब इससे अच्छी खुशबू आने लगेगी तो आप समझ लीजिए बिल्कुल अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है, अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स अब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, तो इसमें अब ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसे हम पहले कुछ देर तक पानी से ही पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। इससे ये दलिया अच्छी तरह से पक जाएगा। तो पहले हमें इसे पानी से पकाना है। देखिए कुछ देर के बाद ये पानी अच्छी तरह से सोख कर लिया है दलिया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। पानी से पका लेने से दलिया अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका था पहले ही, तो अब हमें इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में दूध से। तो ऐसे ही अब दूध डालने के बाद हमें इसे लगातार ऐसे चलाते हुए इसे पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर। तो केसर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आप चाहे तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा, फ्लेवर आएगा। अब फ्रेंड्स इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको पसंद है। कम मीठा पसंद है आप कम चीनी डालें। और फिर इसे ऐसे ही चलाते हुए हमें पकाना है। बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है। अब फ्रेंड्स इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डालिए और हमें और इसे कुछ देर तक पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा दलिया बिल्कुल रेडी है। एकदम क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है और बहुत ही हेल्दी है। तो ब्रेकफास्ट में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं अब इसे कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देती हूँ तो और भी अच्छा दिखेगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।